नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल लक्ष्य एजुकेशन में। तो आज हम लाइट की एक नई वीडियो के साथ में आप समझ के हाजिर हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्ट और इमेज क्या है और उसके फॉर्मेशन किस तरीके से उसका फॉर्मेशन होता है इसके। तो देखिए वीडियो क्या है। लाइट के इस चैप्टर में ऑब्जेक्ट और इमेज के बारे में जो पढ़ने जा रहे हैं, इसमें पहली चीज़ लिखी हुई है, इन द स्टडी ऑफ लाइट, लाइट की जब भी स्टडी कहते हैं, द टर्म ऑब्जेक्ट इज अ स्पेशल हैज़ अ स्पेशल मीनिंग। ऑब्जेक्ट जो लिखा होता है उसका कुछ बहुत विशेष मीनिंग होता है, उसका विशेष अर्थ होता है। ऑब्जेक्ट है क्या, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट का हम लोग जनरली मतलब समझते हैं कि कोई सा भी ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ जो ऑब्जेक्ट रहेगा हम कोई सा समझेंगे लेकिन वो रिलेटेड होगा लाइट के केसेस में। कहीं ना कहीं वो लाइट को या तो रिफ्लेक्ट कर रहा होगा या तो लाइट का सोर्स होगा। तो इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए पहली चीज़ क्या है इसमें, एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट रेज, जो कुछ भी लाइट रे निकाल रहा होगा, दे रहा होगा, इट्स ओन या तो होगा या फिर रिफ्लेक्टेड होगा। ये किसी के द्वारा रिफ्लेक्ट हो रहा होगा या तो लाइट खुद बनाता है। तो ऐसे सोर्सेस को, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ ऑब्जेक्ट का नाम दे देते हैं। ठीक है, ऐसी जो भी सब्सटेंस रहेगी, ऐसे सब्सटेंस को, ऐसे थिंग्स को हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम देते हैं जो रिलेट रहेगा लाइट के साथ में, लाइट या फिर निकाल रहा होगा। जैसे आपने टार्च देखा, टार्च क्या होता है, बल्ब क्या होता है, यहाँ पर लाइट खुद बनता है, खुद निकलता है। लेकिन अगर हम चेयर की बात कर लें, ह्यूमन बींग्स की बात कर लें या कोई और चीज़ों की बात कर लें, तो वहाँ पर लाइट क्या होता है, इमिट नहीं होता है, खुद का उसका जो है इमिटेशन नहीं होता है, खुद नहीं निकालता है। जब लाइट वो किसी ना किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा रिफ्लेक्ट होगा या तो रिफ्लेक्ट होगा। जैसे आपने देखा कि अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट रखा है, हम उसको देख पा रहे हैं, तो उसका सीधा सा रीज़न क्या होता है कि लाइट उस पर पड़ता है, वो पड़ने के बाद हमारी आंखों में इंटर करता है, तब हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल में देख लें, बल्ब, कैंडल, एरो या कोई अपना फेस ही बात कर लें या फिर ट्री की बात कर लें। और यहाँ पर हम जानेंगे ऑब्जेक्ट जो होगा वो दो प्रकार का होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, रिलेट करता है लाइट के साथ में, इसलिए ऑब्जेक्ट को हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। ध्यान रखिएगा ये केस हम पढ़ रहे हैं लाइट के साथ में, इसलिए लाइट को दो पार्ट में बांटा जा सकता है। क्या क्या होगा, दो ऑब्जेक्ट होंगे, एक तो होगा हमारा बहुत ही छोटा ऑब्जेक्ट, वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट कॉल्ड पॉइंट ऑब्जेक्ट। देखिएगा कि जो एक हमारा होगा बहुत पॉइंट साइज का हम ऑब्जेक्ट कह देते हैं कि दूर होता है, तो एक पॉइंट साइज का होगा, दूसरा हमारा होगा लार्ज ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसको हम लोग एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट कह देते हैं। लार्ज ऑब्जेक्ट का यहाँ मतलब समझना कि जो हम वो बना रहे होंगे वो कहीं ना कहीं उसको शो किया जाएगा कि कैसे हम पहचानेंगे कि सर हमारा यहाँ पर जो लार्ज ऑब्जेक्ट है या कोई पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट होता है, कैसे हम इसको पहचानते हैं, कैसे जानते हैं, समझेंगे। इन द रे डायग्राम, हम रे डायग्राम में समझेंगे कि पॉइंट ऑब्जेक्ट जो होगा उसको डॉट से रिप्रेजेंट किया जाएगा, जबकि जो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होंगे उनको हम किसे ड्रॉ करेंगे, एरो पॉइंटिंग अपवर्ड, ऊपर की तरफ उसका एरो दिखाते हुए दिखाएंगे, ठीक है, लाइक दिस। ये इस तरीके से अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो ये लार्ज ऑब्जेक्ट को दिखेगा और यहाँ जो हमारा होगा वो पॉइंट साइज के ऑब्जेक्ट को दिखाते हैं। जो पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट होता है उसको हम डॉट से शो करते हैं, जबकि जो लार्ज ऑब्जेक्ट होता है वो हम ऊपर की तरफ तीर का निशान लगा देते हैं, ठीक है। एरो रहेगा वो अपवर्ड, डाउनवर्ड लगाएंगे नहीं होगा, अपवर्ड में ही हमारा काम जो होता है वो इमेज को दिखाने का काम होता है, सॉरी ऑब्जेक्ट को दिखाने का काम होता है। जबकि इमेज शो कर रहे होंगे तो वो डाउनवर्ड होगा, इमेज के लिए हम लोग डाउनवर्ड लगाते हैं, या तो पॉइंट साइज होगा या तो हम डाउनवर्ड लगाएंगे, जैसा भी हमारा वहाँ पर उसका फॉर्मेशन हो रहा होगा, ठीक है। इन द फिजिक्स की बात करते हैं, इमेज कैन ऑप्टिकल अपेयरेंस प्रोड्यूस्ड व्हेन लाइट रे कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर। यहाँ इमेज की बात करते हैं तो इमेज एक तरीके से वो पॉइंट होता है, वो ऑब्जेक्ट होता है कि जैसे एक सिचुएशन ऐसा आया कि कई लाइट एक दूसरे के साथ में रिफ्लेक्ट होकर के कहीं ना कहीं मिल रही होंगी। जैसे आपने चौराहे का एग्जांपल देखा होगा कि चौराहा क्या होता है, कई स्थान से आकर के वो मिलता है। तो ऐसे अगर कहीं दो या दो से अधिक आपके जो एरो होंगे, रेज होंगे, वो किसी स्थान पर आकर के मिलते हैं अगर, ठीक है, किसी स्थान पे, क्योंकि इन्होंने कहा इमेज जो होता है वो ऑप्टिकल अपीयरेंस होता है, ऑप्टिकल मतलब यहाँ लाइट से रिलेटेड है, क्योंकि ऑप्टिक्स हम पढ़ रहे हैं, लाइट की जो स्टडी होती है उसको ऑप्टिक्स कहा जाता है, वो पूरा ब्रांच उसका ऑप्टिक्स होता है। तो यहाँ उसका अपीयरेंस होता है प्रोड्यूस्ड व्हेन लाइट रेज कमिंग, लाइट जब आती है कहाँ से, ऑब्जेक्ट से, आर रिफ्लेक्टेड,
ठीक है, रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर, मिरर के द्वारा जब रिफ्लेक्ट होकर के किसी स्थान पे जाकर के वो लाइट रेज मिलती हैं तो इनको हम लोग इमेज कहते हैं। देखिएगा, इमेज को भी दो प्रकार में बांटा गया है, एक रियल इमेज होता है, दूसरा हमारा वर्चुअल इमेज। एक आपका है रियल इमेज और दूसरा है वर्चुअल। रियल का मतलब यह होगा जहाँ पे फोकस रियल होगा वो रियल इमेज कहेंगे, लेकिन जहाँ पर फोकस जो हमारा रियल ना हो करके क्या हो जाएगा, रियल ना हो करके हमारा वो वर्चुअल हो जाएगा। फोकस ही अगर वर्चुअल है, अब रियल और वर्चुअल में अंतर हम समझेंगे कब रियल फोकस बनता है कब वर्चुअल फोकस बनता है। देखिए पहले तो रियल इमेज पढ़ लेते हैं। द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ स्क्रीन, जो स्क्रीन पर बन सकता है, ऐसा इमेज जो स्क्रीन पर, स्क्रीन का मतलब क्या हो गया, जिसको हम स्क्रीन पर उतार सकते हैं, जिसको दिखा सकते हैं। जैसे आपने सिनेमा घरों में देखा होगा कि वो लाइट जनरली पिक्चर जब चल रहा होता है, स्क्रीन जब चल रहा होता है, तो स्क्रीन पे एक्टर या कोई एक्ट्रेस या कोई पार्टिकुलर हम मोमेंट को जो दिखाते हैं वो शो होता है। लेकिन जब आप अपने मिरर में देखते हैं, जब आप अपने आप को झांकते हैं, अपने मिरर में देखते हैं, तो सिर्फ वो आपका ही इमेज दिखता है। जैसे आप हट गए वो क्या हो गया, मिरर भी वहाँ भी इमेज भी हट जाता है। या आप देखेंगे कि जब कभी आपका इमेज बन रहा होता है तो एक्चुअल में वो सामने नहीं बनता, जाकर के पीछे बन जाता है। तो ऐसे इमेज जो देखेंगे, जो जहाँ पर रियल बनने का मतलब क्या हो गया, जिसको स्क्रीन पे उतारा जा सकता होगा, जिसका फोकस रियल होगा। फोकस रियल का मतलब यहाँ पर होगा कि जब ढेर सारी लाइटें किसी पॉइंट पर आकर के मिलेंगी। आगे यहाँ पढ़ेंगे हम क्या है, देखिए, द इमेज फॉर्म्ड ऑन अ सिनेमा स्क्रीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ रियल इमेज। रियल के इमेज का एग्जाम्पल जो होता है वो सिनेमा हॉलों में हम देख सकते हैं। अ रियल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन। जब रिफ्लेक्शन के बाद में किसी पॉइंट पर जाकर के वो लाइट की रेज मिल रही होंगी तो उस वहाँ पर रियल इमेज होगा, एक्चुअल में मीट होती हैं। इसका रे डायग्राम हम लोग इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव और कॉन्वेक्स, उसके साथ साथ प्लेन मिरर में हम इसके एग्जाम्पल को समझेंगे, जहाँ पर रियल या वर्चुअल इमेज कब बनता है, इसका फोकस रियल या वर्चुअल कब होता है। अभी हम एक उसके रिलेटेड टर्म जो हैं, इमेज और ऑब्जेक्ट के रिलेटेड टर्म्स में हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए इन्होंने कहा रियल इमेज क्या होगा, जब लाइट रेज जाकर के किसी पॉइंट पर जाकर के मिलेंगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद में कहीं ना कहीं वो मिल रही होंगी। इसके बाद यहाँ पर एक वर्ड है, इट कैन फॉर्म्ड बाई कॉनकेव मिरर। एक बात देखिएगा यहाँ जरूर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये कॉनकेव मिरर है, एक्चुअल में ये स्फेरिकल मिरर होता है। और आपको पता है स्फेरिकल मिरर दो प्रकार के होते हैं, एक कॉनकेव होता है, दूसरा कॉन्वेक्स होता है। तो यहाँ जो रियल इमेज होता है वो सिर्फ कॉनकेव मिरर होता है, ठीक है, रियल इमेज कॉनकेव मिरर होता है। दूसरी एक पॉइंट देखिएगा कि जब कभी भी रियल इमेज बनता है, जिस तरीके का हम ऑब्जेक्ट लेंगे उसी तरीके से वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि रियल बन रहा है तो कैसा बन रहा है, और साथ साथ उसका पोजीशन, जब मिरर से हम कहाँ रखते हैं, कितनी दूरी पर रखते हैं, रियल बनेगा या वर्चुअल बनेगा ये भी डिपेंड करता है। ये हमारा मान लीजिए प्लेन मिरर है, और प्लेन मिरर जो होता है वो रियल नहीं बनाता है, वर्चुअल बनाता है। लेकिन अगर कोई स्फेरिकल मिरर है और ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रख दिया है, स्पेशली हाँ ये एक वर्ड पहले और समझ लीजिए कि जब कभी भी हम कॉनकेव या कॉन्वेक्स की बात करते हैं तो स्फेरिकल होता है, और अगर हम ऑब्जेक्ट को कहीं लेफ्ट साइड में रखें और इमेज भी लेफ्ट साइड में ही बने, मीन्स क्या हुआ, जिस तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, जिस तरफ हमारा मिरर होगा, अगर ऑब्जेक्ट उसी तरफ ऑब्जेक्ट रखा है और उसी तरफ इमेज भी बन जाता है, तो ऐसे हमारे रियल होंगे। देखिए इन्होंने ये नहीं बताया कि कहाँ बनता है, रियल का जो सिर्फ डेफिनेशन बताया, लेकिन रियल समझिएगा, रियल का मतलब ये होगा जो वास्तव में होता हो, और ये तभी होगा जब इमेज जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा हो उसी तरफ क्या बन जाए, आपका इमेज बन जाए, ठीक है। फिर उसके बाद वर्चुअल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन, स्क्रीन पर इसके नहीं बनाए जा सकते हैं। वर्चुअल इमेज आर आल्सो कॉल्ड अनरियल इमेज और इट कैन बी सीन ओनली बाई लुकिंग इन टू अ मिरर और लेंस। इन्होंने बातें बताई कि रियल इमेज जो होता है वो तो आपका स्क्रीन पर उतारा जा सकता है, लेकिन अगर वो वर्चुअल इमेज है तो वो स्क्रीन पर उतारा नहीं जा सकता। दूसरी एक बात, अगर वो रियल नहीं है तो क्या हो जाएगा, अनरियल, जिसको हम लोग वर्चुअल कहते हैं उसको अनरियल भी कहते हैं। और उसके साथ साथ लुकिंग, इसमें सिर्फ हम देख सकते हैं, इसमें स्क्रीन पे नहीं उतारा जा सकता, सिर्फ मिरर या लेंस में अपने इमेज को देख लेंगे और समझ जाएंगे कि हमारा कैसा है,
एक और बात समझिए कि जब कभी भी वर्चुअल बनेगा, वर्चुअल के साथ में हमारा इरेक्ट बनता है जबकि रियल के साथ में इन्वर्टेड बन जाता है। इट फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज, इन्होंने कंडीशन बताया कि ये कब बनता है। अभी आपने जो रियल का पढ़ा था, रियल में क्या पढ़ा था, रियल में वो ऑब्जेक्ट जो होता था वो कहीं ना कहीं उसके रेज जब उस पर पड़ते थे और जाकर के कहीं मिलते थे तब वहाँ पर इमेज जो बनता था वो रियल। जबकि वर्चुअल में क्या होता है, लाइट रेज फ्रॉम कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट ओनली अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट व्हेन प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन और फ्रॉम अ मिरर। जब मिरर पर ये गिरा तो गिरने के बाद में ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसा नहीं है कि हम उसको देख सकें, मतलब क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद में उनके डायरेक्शन डाइवर्ज हो जाते हैं। आपने कर्वज पढ़ा था और डाइवर्जन पढ़ा था, तो यहाँ पर ये डाइवर्ज होते हैं, अलग अलग निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, मतलब कहीं वो एक दूसरे को कट नहीं करते। लेकिन जब मिरर के बाद में जब वो रिफ्लेक्ट हुए, अगर वो जहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहे हैं उनके लाइट रेज को आगे बढ़ाएंगे पीछे की तरफ, तो हमें क्या होगा, वो किसी स्थान पे मिलते हुए दिखेंगे। क्या दिखा कि जो रियल इमेज होता है वो सामने बनता है, रिफ्लेक्शन के बाद में सामने बनता है, जबकि वर्चुअल जो होता है वो बिहाइंड द मिरर बनता है। तो ये रियल और वर्चुअल में ये भी बातें आपको समझ रखिएगा, रियल जो होता है वो इन फ्रंट ऑफ मिरर बनता है जबकि वर्चुअल जो होता है वो बिहाइंड द मिरर बनता है। इसके बाद हमारे जो केसेस हैं वो, हाँ, वर्चुअल के साथ में इरेक्ट बनेगा, रियल के साथ में इन्वर्टेड। इन्वर्टेड लेटरल इन्वर्जन होता है, लेटरल इन्वर्जन में लेफ्ट और राइट चेंज होता है, उसको भी जानेंगे।